मैं पिछले दिनों मीडिया के लोगों से मिल रहा था, कुछ यहाँ पर भी मिल करके गए, तो बोले स्वामी जी आपके यहाँ कोई ये दलित भी सन्यासी बने तो ये तो वर्ल्ड न्यूज़ होगी। मैंने कहा भैया मैंने तो अभी किसी अपने ब्रह्मचारी की जाति ही नहीं पूछी। बोले स्वामी जी आप पूछना। तो अनायास आज मैंने दो ब्रह्मचारियों से ऐसे ही पूछा। एक ने कहा कि पिताजी जो है ऐसा काम करते हैं, माताजी ऐसे मजदूरी का काम करते हैं, ईंट का काम करते हैं, या घर में ऐसे काम करते। तो मैंने पूछा, मैंने कहा बेटा मैं किसी की जाति तो नहीं पूछता हूँ, क्योंकि मैं तो मनुष्य जाति में और जो है बस एक आत्मा में विश्वास रखता हूँ। लेकिन फिर भी एक बात मेरे मन में है तो पूछ लूँ। तो आज अभी मैं इस कार्यक्रम के बाद भी जो वनवासी समाज से बच्चे आते हैं, बेटियां या हमारे भाई, और जो दलित समाज से वाल्मीकि समाज से बच्चे आते हैं, और इसको आगे भी हमें प्राथमिकता देनी है इस देश में। ये हम इस स्तर पर कर सकते हैं। बाकी जाति मुक्त भारत बनाना है तो उसके लिए इस देश में बहुत से अभियान चलाने पड़ेंगे। एक तो इंटरकास्ट मैरिज, मैं वो अभी उस बात को आने में तो अब मैं शुद्धि का आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुरू किया था, और एक 5 लाख लोगों का शुद्धि का आंदोलन वो कर चुके थे। यदि स्वामी श्रद्धानंद जी थोड़े सजग रहते, या कुछ लोग षड्यंत्रकारी, उनको उस समय इतने भोले लोग थे, ज़्यादा सोचते नहीं थे इस बारे में, तो ये देश कहीं कुछ और होता, वो दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन मैं एक बात, अब इस समय मैं किसी भी तरह के मजहबी उन्माद में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना जरूर चाहता हूँ कि ब्राह्मणों की श्रेष्ठता तो बरकरार रहनी चाहिए। जाति आधार पर मैं कहूँ तो आप में से भी बहुत से बच्चे ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न होकर के आए, बहुत से क्षत्रिय कुलों से, बहुत से वैश्य कुलों से। एक दिन मैंने ऐसे सामूहिक रूप से पूछ लिया था, तब पता है मुझे ब्राह्मण कुलों से श्रेष्ठ विद्वान, श्रेष्ठ सन्यासी, श्रेष्ठ आचार्य तैयार हों, क्षत्रिय कुलों से हों, वैश्य कुलों से हों, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारे इन दलित परिवारों से भी बच्चे और अधिक मात्रा में आएं, और उनको हम इस अपनी वैदिक परंपरा में, ऋषि परंपरा में इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाएं कि पूरे देश से वो जातिगत भेदभाव मिटाने में और भारत को एक और श्रेष्ठ भारत बनाने में बड़ी भूमिका निभाएं, और उस गौरव को अपने हृदय में हमेशा रखते हुए उस, ये बड़ी बात होगी। 2050 तक, देखो अति उत्साह में मैंने कई बार कहा है कि दुनिया को बदलने में कितना समय लगता है, तो मैं तो अति उत्साही व्यक्ति हूँ, मैं कहता एक क्षण में दुनिया बदलती है। लेकिन ये कहना बहुत अच्छा है, सोचना ऐसा ही सही है, और जीना भी ऐसा ही सही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अरे एक क्षण में बदल दो, छोड़ दो, मुझे आज से गुस्सा नहीं करना, लेकिन छुट्टे तो छोड़ दो, आज से बीड़ी सिगरेट शराब नहीं पीनी, छोड़ दो आज से क्रोध नहीं करना, प्रतिशोध नहीं लेना, छोड़ दो आज से सारी दुर्बलताओं को, सारी पराधीनताओं को, छोड़ दो आज से आलस्य को, कोई सुबह देर तक सोएगा नहीं। छोटी छोटी बात है, एक क्षण में बदल सकता है जीवन, एक एक संकल्प से, एक संकल्प मात्र से ये सृष्टि बदल सकती है। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो जो है दो शब्द प्रयोग होते हैं, तीन, चेंज रिफॉर्म गवर्नेंस, ये राजनीति भी पढ़ा रहा हूं तुमको और समाज के दर्शन भी सिखा रहा हूं तुमको। कुछ लोग कहते हैं चेंज होना चाहिए, सब कुछ बदलना चाहिए, और ये बदलने वाले लोग ना बड़े खतरनाक है, इसमें मैं भी एक हूं। बदलने वाले लोग आंदोलन करते हैं, और आंदोलन हमेशा विघटनकारी होते हैं। आंदोलनों में आग आगजनी होती है, आंदोलनों में युद्ध होते हैं, आंदोलनों में धरना प्रदर्शन होते हैं, आंदोलनों में गति ठप कर दी जाती है, आंदोलनों में अवरोध होते हैं। आंदोलन 99% हिंसक होते हैं, और पूरी दुनिया के
सभी आंदोलन हिंसक हुए। महात्मा गांधी ने इसलिए, महात्मा गांधी को दुनिया में क्यों लोग ऐसे बड़े रूप में याद करते हैं, आंदोलन करने वाले चेंज की बात करते हैं और वो तुरंत चेंज की बात करते हैं। फिर कुछ लोग होते हैं बोले भाई धीरे धीरे बदल लो, वो कहते हैं रिफॉर्म करो। एक शब्द है चेंज, दूसरा है रिफॉर्म, और तीसरा है बोलो गवर्नेंस अच्छी करो, अपने आप ही सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। बड़े शब्द दो हैं, चेंज और रिफॉर्म, ये दो धाराएं हैं। तो मैं हूं तो चेंज वाली धारा का व्यक्ति, लेकिन भाई सब जगह ये पार पड़ती नहीं है। कुछ कार्यों के लिए निरंतर दीर्घकालिक पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, बिना धैर्य खोए, बिना धैर्य खोए। आज मुझसे एक ब्रह्मचारी मिले, बोले स्वामी जी मैं ज्यादा प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मैं 7 सालों में सब कुछ बदलना चाहता हूं। हंस रहे हो, तुम्हारे अंदर भी चलता तो यही है, हम सब कुछ बदल देंगे। मैंने भी सोचा था मैं 5 साल में हिंदुस्तान बदल दूंगा, और मैंने काम भी ऐसे किया, ऐसा नहीं कि सोच के बैठ गया, पूरे देश में जिसको कहते हैं ना धुआंधार कार्यक्रम चलाए, दिन को नहीं रात को नहीं, कभी चैन नहीं, कभी विश्राम नहीं, कभी विराम नहीं, चरैवेति। मैं मानता हूं ये होना चाहिए, ये जोश ये जज्बा, और जिस जवान की जवानी में जोश नहीं है ना, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ा है। जो जवानी में आंदोलनकारी ना हो, जिसके जवानी में जोश ना हो, आक्रोश ना हो, आक्रोश मतलब को विध्वंसक नहीं, जिसकी जवानी में जज्बा ना हो, फायर ना हो, आग ना हो, इसका मतलब कोई ना कोई उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। कितने राजी हो रहे हैं, वो ज्यादा खुराफाती बैठे, लेकिन उस अग्नि को, उस एनर्जी को चैनलाइज किया जाता है, ये गुरु का काम है। जैसे एनर्जी तो हमारे संदीप में भी बहुत भयंकर थी, लेकिन जब से मैंने इसको धड़ोली गौशाले में भेजा है तब से इसकी एनर्जी चैनलाइज हो गई है, तो इसके लिए एक बार अभिनंदन कर दो। मैंने कहा संदीप अब खुरापात नहीं आती दिल में? बोले स्वामी जी अभी बीच बीच में हुक हुकी उठती तो है। फिर बोले फिर आप आके खड़े हो जाते हो आंखों के आगे कि मैंने कुछ भी थोड़ा भी कुछ वाणी से व्यवहार से आचरण से ऐसा कर दिया तो मेरे गुरु की अप्रतिष्ठा हो जाएगी, पतंजलि योगपीठ की अप्रतिष्ठा हो जाएगी, और ऐसा सोच सोच के मेरी जो सारी बुरी बाण थी, जो कुछ छोटे मोटे अभ्यास ऐसे जिससे कि किसी को कष्ट होता था, उन सब से मैंने अपने आप को कब बचा लिया पता ही नहीं लगा। आप लोगों को ये मैं एक इस अर्थ में इस बात को कह रहा हूं, अभी खतरा टला नहीं है, सभी के भीतर खतरा है बरकरार। गुरुजी एक बात कहते थे ना, पूज्य स्वामी सोमानंद जी कहते थे भाई मेरे अंतिम श्वास तक मैं सत्य को जीता रहूं तो मानना कि मैं सन्यासी योगी साधु था, नहीं तो सोच लेना ऐसे ही पाखंडी था। अंतिम श्वास तक व्यक्ति को सहजता और सजगता पूर्वक सत्य को जीना पड़ता है, यह है जीवन की प्रामाणिकता, और ऐसा मैं आप सबको देखना चाहता हूं। तो तीसरी बात यह है, मैं जो पहल मैंने कहा पहली बार सन्यास की दीक्षा हो रही है, एक जाति मुक्त और फिर दुख मुक्त, अज्ञान अहंकार मुक्त, विकारों से मुक्त भारत बनाने का सपना, और 2050 तक जो हम भारत को विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं, अब उसकी एक बड़ी आधारशिला तैयार होगी। और ये गौरव हम अपने आंखों के सामने देखेंगे, और तब तक हम तो थोड़े बुढ़े हो जाएंगे, लेकिन आपकी जवानी शिखर पर होगी, और आप अपनी आंखों के सामने ऐसे परम वैभवशाली भारत का दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ अनुभव करेंगे, उस भारत की नींव हम सबको मिलकर के डालनी।
और ऐसा परम पुरुषार्थ और परमार्थ हम सबको मिलकर करना, अपने आंतरिक जीवन में पूर्ण सहज रह करके, जीवन में स्पष्टता, निर्णयों में स्पष्टता, कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं, स्पष्टता, सरता, सहजता, तीन शब्द लिखो तुम, ये तीनों तुम्हारे जीवन में होंगे ना तो बात बनेगी। ये आपके भीतर से होनी चाहिए और फिर बाहर से आप बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित करें। देखो कुछ लोग केवल सहजता की, केवल शांति की बात करते हैं, कुछ लोग केवल क्रांति की बात करते हैं। हमारी जो संस्कृति है, इदम में ब्रह्म क्षत्रम च, ये हमारी संस्कृति है। आप लोग ना इन दोनों में बहुत बहकते हो, ये शांति और क्रांति, भीतर से शांति, बाहर से क्रांति, दो शब्द हमने बार बार बोले, भीतर से पूर्ण सहजता, बाहर से पूर्ण क्रियाशीलता। ये शब्द संन्यास का पूर्ण दर्शन है, जीवन का पूर्ण दर्शन है। भीतर से पूर्ण सहजता, भीतर से पूर्ण शांत, बाहर से पूर्ण क्रियाशील। ऐसे ही रहते हो ना आप, ऐसे ही रहना है सबको, ऐसा ही रहना है। और आप लोग ना इस बात को तो गांठ बांध लो, एक लक्ष्मण रेखा खींच लो, इस लक्ष्मण रेखा को ही मर्यादा कहते हैं। एक लक्ष्मण रेखा की मर्यादा खींच लो, दोनों शब्द बोल दिए मैंने, जिसको जो समझ में आए वो समझ लेना। ये करना है, ये नहीं करना, ये सोचना है, ये नहीं सोचना, ये बोलना है, ये नहीं बोलना, ये करना है, ये नहीं करना, ये सोचना, ये नहीं सोचना, ये देखना, ये नहीं देखना, ये सुनना, ये नहीं सुनना, ये बोलना है, ये नहीं बोलना, ये खाना पीना, ये नहीं खाना, इतनी सी बातें और कुछ नहीं है जिंदगी। एक शब्द में विधि और निषेध ही जिंदगी है। आप में से कितने ऐसे विवेकी भाई हैं, इस मर्यादा को तोड़ते रहते हैं, फिर वो बन जाता है आपका अभ्यास। मैं आपके बुरे अभ्यास नहीं देखना चाहता, और मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं ऐसा करता हूं। कोई कोई कहते हैं स्वामी जी कब नहीं लगता, पता नहीं कहां से अचानक कोई वासना ऐसे उदय हो जाता अंदर से। भाई स्थूल रूप से तो तुम एक मर्यादा तय कर लो, तो भीतर से उठे उसको भी वहीं रोक दो। आप कहेंगे इसमें कितना समय लगेगा, अरे जितना भी समय लग जाए लगता रहे, इसमें किसी को निराश होने की जरूरत नहीं। मैंने ज्यादातर देखा अध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोग भी निराशावादी बहुत होते हैं। जी मुझे तो अभी सफलता मिली नहीं, मुझे तो सिद्धि नहीं मिली, मुझे तो सिद्धि सफलता से भी बड़ा शब्द है, मैं मुझे अभी विजय नहीं मिली, मैं जीत नहीं सका, आप स्वयं को जीत नहीं सका, मैं तो हार जाता हूं, मैं तो गिर जाता हूं, मैं तो फिसल जाता हूं। ये क्यों ऐसा होता है भाई, अरे चलते रहो। देखो ये चीज सुन लो बेटियों, सबके लिए समान है, ये बात बहुत गहरी है। एक मर्यादा, एक लक्ष्मण रेखा खींच के रख लो, और उससे इधर से उधर नहीं होना, हर चीज की एक मर्यादा है। अब चलो आज से तुम्हारी मर्यादाएं तय सबकी, वस्त्र की भी एक मर्यादा है। एक दिन एक महात्मा जी के दर्शन करने जा रहे, मैंने देखा 20-30 बच्चों ने तो कच्छा पहन रखा। मैंने कहा ये क्या बड़ा काम कर रखा भले आदमी हो, अरे कुछ तो एक मर्यादा रखो, वस्त्र की भी मर्यादा है। अभी मैं ब्रह्मचारियों के आवास में पूज्य आचार्य भवेंद्र जी से मिलने चला गया, बहुत प्यारे हैं। मैंने कहा स्वामी आचार्य जी आपको भी संन्यास देंगे, हाँ नहीं आप भी नहीं बात में करेंगे।
स्वामी जी मैं संन्यास दे रहा हूँ कैसा? बहुत अच्छा काम है। मैंने कहा क्यों आचार्य जी? बोले हमको वो जो परिजन है ना उनसे एक बार मिलना है जिन्होंने हमको बहुत सहायता की तैयार किया, उनसे एक बार मिलना है, तो हमको सन्यासी के वस्त्रों में देख के कहीं घबरा ना जाए। मैंने कहा स्वामी जी आप भूल भाल गए, कुछ मर गए होंगे, सच में कोई संपर्क भी नहीं है। बहुत अत्यंत सीधे मैं उनको चरण छू के प्रणाम कर लेता हूँ, बड़े हैं आचार्य हैं विद्वान, आप तो पुरुष हैं। तो मैं कह रहा था, मैंने कहा यदि पीछे वो रेलिंग ना लगी होती बालकोनी में तो ये गिर सकते थे, मैं प्रणाम करूँ पीछे खिसक गए 10 फीट तक, वो बालकोनी में चले गए। मैंने कहा आचार्य जी रुक जाओ। बड़े मुश्किल से वापस बुलाए, इतने सीधे सरल। उनमें भी ऐसी भावना है कि देश बहुत अच्छा रहना चाहिए, जबकि खुद चौथी मंजिल से नीचे धरती पर नहीं उतरते। ये साधक सात्विक आत्मा होती है, उसके हृदय में संसार के लिए करुणा का भाव होता है। इसलिए स्वामी सोमानंद जी महाराज कहते ना, कि कैसा होना चाहिए साधु, अपना एक एक क्षण वो संसार के उपकार के लिए, और सर्वभूत हिते रता। सारे शास्त्रों में विश्व मंगल की, विश्व कल्याण की, लोक कल्याण की, सबके हित की, सर्वे भवन्तु सुखिनः की, चारों तरफ शुभ की, देवत्व की प्रतिष्ठा की बात। तो आप लोगों को देखो, बड़ी बड़ी बातें तो बताइए, अब छोटी छोटी बातें, वस्त्र की मर्यादा, वाणी की मर्यादा, व्यवहार की मर्यादा, खान पान की मर्यादा, आपको देखने की मर्यादा, सुनने की मर्यादा। देखो आप लोगों के पास मोबाइल है ना, इसमें सारी संसार की गंदगी है, इसमें एक बार भी आप गलत चीज को क्लिक ना करें। एक बार मर्यादा टूटी और शर्म खत्म हो गई। एक बहुत अच्छी बात कही थी स्वामी प्रेम विवेकानंद जी ने, आप लोगों ने याद किया उस, नोट किया उस बात को, जो आदमी बार बार गलतियां करता है वो क्या हो जाता है? बेशर्म हो जाता है। बार बार जो दोष करता है, गलती करता है, फिर क्या हो जाता है? वो बेशर्म। और जो दुर्गुण और दोष, दोषों की दुर्गुण और दोषों की पराकाष्ठा, दुर्गुण और दोषों की पराकाष्ठा होती है वो बेशर्म, और जिसमें सद्गुणों की पराष्ठा होती है क्या हो जाता है? सद्गुणों की अत्यंत पराकाष्ठा से क्या बोला था? वो अहंकार रहित हो जाता है। वो जो सद्गुणों के अहंकार से मुक्त हो जाता है, अत्यंत विनम्र, अत्यंत विनम्र। अब ये हमें तय करना है कि अत्यंत बेशर्म बनना है या अत्यंत विनम्र बनना है, अहंकार मुक्त। ये ऐसी प्रतिष्ठा करनी है अपने को सद्गुणों की, वाणी का, व्यवहार का, खान पान का, देखने का, सुनने का। ये सुन लो, एक बार भी गलती करोगे तो गलत भाण पड़ गई। मैंने आपको कई बार शिविरों में कहा था, एक बार भी दोष ना हो ऐसी चेष्टा, एक बार भी दोष न हो तो ये प्रथम कोटि का जीवन। और इसमें कोई कभी पछताया मत करो, कभी कोई भूल हो गई, भूल सुधार कर ली तो भी उत्तम कोटि का जीवन, तब भी उत्तम कोटि का जीवन, और तब भी तुम ऋषित्व और देवत्व का अधिकारी बनने की पात्रता रखते हो। और ये जो तीसरी चीज है ना, इसमें आने से बचना, भूल बार बार, तो फिर उद्धार होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती है, नगण्य 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 नगण्य। मैं इसलिए इस बात को बार बार दोहरा रहा हूं, ये तीसरी चीज में मत जाना। और अपने गुरु के सामने
मैं इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अभिभूत रहता हूँ कि आप मेरे अपने स्वरूप हो, आत्मस्वरूप हो आप मेरे। आप भाई बहनों को जब मैं मिलता हूँ, आपके जीवन में कोई कितनी भी बड़ी भूल आपसे हुई है, आप उसको मुझसे पूर्ण सहज होकर के कह पाते हो। और मैंने ऐसा एक दो नहीं, ऐसा मैंने लगभग सभी करीब मैं 100 भाइयों से व्यक्तिगत रूप से अभी और पहले भी 5-5, 10-10, 20-20 मिनट मिला हूँ। कुछ ने तो यहाँ आते ही अपने प्रथम आगमन के समय, कुछ ने अभी आने के बाद, और कुछ ने अभी बड़ा निर्णय लेते समय अपने दोषों को मुझसे कहा। उनका ये दोष को कहना ही, उस दोष को स्वीकार करना, और वह भी अपने गुरु चरणों में, और फिर ये संकल्पित होना कि स्वामी जी हमसे भूल हुई, हमसे दोष हुआ, और हम इस दोष से पूरी तरह से मुक्त होना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ये भी दुनिया में सबसे बड़े बहादुरी का, सबसे बड़े शौर्य पराक्रम का, योद्धा का कार्य है। ये तो व्यक्ति अपनी छोटी सी भूल को ही स्वीकार नहीं करता, और गुरु के सामने कुछ भी छिपा के नहीं रखना, ये हमारी परंपरा है। माता पिता गुरुजन हमारे परम हितैषी, परम करुणावान, हमें हमेशा उभारने वाले होते हैं। उनके मन में कभी भी आप हमारे अपने दोष कहने से दुर्भावना लेश मात्र भी नहीं आती। फिर उन यदि हाँ यदि आपने अपनी दुर्बलता आए ना तो प्रश्न ही खत्म हो गया। यदि कोई दुर्बलता मन की स्थिति के स्तर पर भी आ गई तो भी कथन करने की आवश्यकता नहीं उसको। तो तुम यदि कोई स्थूल दोष हो गया व्यवहार में, आचरण में, आचरण के स्थूल दोष, ये तो अपने गुरु से कहना ही चाहिए एकांत में, और सार्वजनिक रूप से इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सार्वजनिक रूप से अपने दोषों का कथन करने से समाज की हानि होती है, गलत बातों की तरफ समाज का ध्यान जाता है। ये बात मैं आपको भी कह रहा हूँ, और ये बात जो भी मुझसे प्रेम करते हैं उन छोटे बड़ों से सबसे मैं कहता हूँ, सार्वजनिक रूप से अपने दोषों को कथन करने से लाभ क्या होगा? उससे तो बल्कि दूसरे का ध्यान और गलत बात पर जाएगा। और बच्चों के सामने तो कभी भी दोषों का कथन करना ही नहीं चाहिए। किस तरह से चीज़ें गलत दिशा में चली जाती हैं, बड़ी छोटी उम्र के बच्चों के सामने कभी भी कोई गलत चेष्टा नहीं करनी चाहिए। कोई भी उनके सामने तो आप कहेंगे क्या हमेशा आदर्शवादी बातें करनी चाहिए? हाँ, बच्चों के सामने वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर गलत शब्दों का उच्चारण, परिवेश, महान व्यक्तित्व तैयार करने के लिए ये तैयारियां करनी पड़ती हैं। बच्चों के सामने मैं लगभग 20 साल की उम्र तक तो बच्चा ही मानता हूँ, कुछ तो 25 वर्ष तक भी हो जाता है, 20-25 वर्ष की आयु तक दोषों का कथन, इससे अशुभ होने की बड़ी संभावना रहती है। मैंने तो कई बार कहा भाई देखो ये YouTube पर पोर्न फिल्म और पोर्न वीडियोज नहीं देखने चाहिए। तो हमारा एक ब्रह्मचारी बेचारा इतना भोला है, सीधा है, बोले स्वामी जी मैंने कभी नहीं देखे थे, लेकिन आपसे एक दिन सुना कि पोर्न फिल्म नहीं देखनी चाहिए, ये पोर्न वीडियो नहीं देखने चाहिए। मैंने एक दिन देखा कि स्वामी जी बोलते हैं ये पोर्न फिल्म होती क्या है, ये पोर्न वीडियो होते क्या है? बोले मैंने देख लिया। फिर उसको एक बार देखने के बाद फिर और इच्छा हुई कि और देखो ये होता क्या है। तो बोले स्वामी जी उससे तो फिर ना मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो मैंने कहा बेटा अब आगे से मत देखना। मैं तुमसे भी बोल रहा हूँ बच्चों, देखो ये बहुत गहरी बात है, और मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ इस बात को मैं सारे माता पिताओं को कहना चाहता हूँ, और सब बड़ों से भी छोटों से भी कहना चाहता हूँ। कई बार ना हम गलत चीज़ें सुन करके गलत चीज़ें भी देखने की कोशिश करते हैं, ये भाव नहीं आना चाहिए। अपनी पवित्रता को जितना हो सके खंडित मत होने दो, तुम्हारा कौमार्य खंडित नहीं होना चाहिए।
इसको हिंदी में बोलते हैं कंवारापन, कंवारापन, कौमार्य हमारा खंडित ना हो तो हमारा हौसला आसमान पर होता है। इन बातों को गौर से सुनना। तुम्हारा कौमार्य, तुम्हारा यौवन एक बार भी खंडित ना हो, एक पग भी अमर्यादित तुम ना रखो।